नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। आज हम लोग हैं इंडिया गेट पर और यहाँ पे हज़ारों की तादाद के अंदर लोग आए हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन डे बनाने। हमारे साथ सुधीर जी हैं। सुधीर जी, कहा जाता है कि पूरे दुनिया में सबसे बेहतरीन संविधान जो है वो भारत का है, वो क्यों है? सबसे बेहतरीन संविधान इसलिए है क्योंकि जितनी भी अच्छाइयाँ पूरी दुनिया की संविधानों में हैं वो अकेले संविधान के अंदर हैं। इसलिए 20 देशों ने बाद में इसको अडॉप्ट भी किया और ये इसलिए भी सबसे बढ़िया माना जाता है क्योंकि यहाँ विविधताएं बहुत हैं भारत में। यहाँ भाषाएं बहुत हैं, यहाँ रहने वाले लोग बहुत तरह के हैं, यहाँ बाहर से आए हुए लोग बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ कई सारे मजहब या धर्म या रिलीजन भी हैं। यहाँ ऐसे भी लोग हैं जो ईश्वर, अल्लाह, गॉड, भगवान, ईश्वर में कहीं यकीन ही नहीं रखते, जिनको आस्तिक बोला जाता है या एथिस्ट बोला जाता है। यहाँ सभी तरह की बातें हैं जी। तो पूरे देश को सशक्त रूप में रखने के लिए जो ग्रंथ और जो महान विचार और महान किताब चाहिए जी, वो संविधान पूरा करता है। इसलिए संविधान दुनिया की, भारत का संविधान दुनिया की सबसे बेस्ट ग्रंथ, सबसे बेस्ट किताब और सबसे बेस्ट आज तक का जो भी साहित्य और सामग्री है वो मानी जाती है जी। मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये जो संविधान है क्या सिर्फ बहुजनों का है? क्योंकि बहुजन ही इसको सेलिब्रेट करते हैं, जबकि आज की डेट में पूरी छुट्टी होनी चाहिए, पूरे भारत की छुट्टी होनी चाहिए क्योंकि नेशनल डे होना चाहिए, तो वो क्यों नहीं है? और क्या सिर्फ अधिकार बहुजनों का, दलितों का ही संविधान पे है? क्योंकि बाबा साहब एक दलित जाति से आया करते, तो उसके ऊपर क्या कहेंगे आप? संविधान, भारत का संविधान जैसा आप बताया, दुनिया का एक बेहतरीन ग्रंथ है और ये संविधान की ही वजह है कि आज विभिन्नताओं वाला देश एकता में है और बटा नहीं है। आसपास के भारत के आसपास के आप देशों में देखो, बांग्लादेश, पाकिस्तान और दूसरे देशों में देखो, कई तरह की मुश्किलें आई हैं, लेकिन भारत का एक संविधान इतनी अंदर भाव भरे हुए है कि देश के अलग अलग धर्म संस्कृति के लोग होने के भी एक है। सबसे बड़ी बात है कि ये इसमें स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व का भाव है, जो बाबा साहब ने कहा कि इस संविधान के प्राण हैं और ये तथागत बुद्ध की विचारधारा से जैसा कि बाबा साहब ने लिया है। आप कह रहे हैं कि सभी लोग क्यों नहीं इसको मनाते हैं, जबकि आप महिलाओं की बात करें तो इस संविधान की बदौलत है, संविधान लागू होने के बाद महिलाओं को वोट का अधिकार मिला है ना। जबकि विकसित कई देश है, अमेरिका और कई यूरोपियन देशों में संविधान लागू होने के 30-30 साल बाद महिलाओं को बराबरी का हक मिला, लेकिन संविधान की बदौलत है किसी भी जाति, धर्म या लिंग के व्यक्ति को समानता का अधिकार दिया। तो ये संविधान सबको बराबरी का हक देता है, सबको मनाना चाहिए। ये बात और है कि जातिवादी मानसिकता इस देश के अंदर है, लेकिन लोगों को ये एहसास हो रहा है कि इस संविधान की बदौलत ही ये देश एक है, इसका सम्मान करना पड़ेगा और लोग कर रहे हैं जी। साहब ने कहा कि संविधान की बदौलत ही एक है, तो एकजुट जिसे कहा जाता है वो 85% बहुजन कहा जाता है, लेकिन बहुजन एकजुट नहीं दिखाई देते हैं, कहाँ तक सही है ये बात? ऐसा जो कह रहे हैं आप उसमें सच्चाई है, पर आज की डेट में लोग अवेयर हो रहे हैं और लोग जुड़ रहे हैं। और आप देख रहे होंगे कि अभी यूपी का एक एग्ज़ाम्पल है जिसमें कि अब लोग, बहन जी ने उनके साथ भी थोड़ा सा गठबंधन किया, वो ठीक है, वो बाद में थोड़ा सा फेल हुआ, पर ऐसा नहीं है कि आप 85% लोग समझ रहे हैं, जान रहे हैं कि यही देश के मूल निवासी हैं, बहुजन हैं और जिनको अंततः एक छतरी के नीचे आना ही पड़ेगा और एक साथ एकजुट रहकर। कौन सी एक छतरी की बात करते हैं आप, वो बताएं ताकि एक छतरी के नीचे आकर मजबूत हो सकें, उस छतरी को बताएं। मतलब मैं पॉलिटिकल ही नहीं कह रहा, मतलब इनको यूनाइट तो रहना। पॉलिटिकल भी आप बोलते हैं तो कौन सी छतरी की बात करते हैं? बाबा साहब के नीले झंडे के नीचे आना पड़ेगा इनको, पंचशील के झंडे के नीचे आना पड़ेगा और एकजुट रहना पड़ेगा। जब इनको लगता है कि हाँ यहाँ पर हमारा हित, हमारे हित में ये बात है, तो उस तरफ इनको अपने आप को डाइवर्ट करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। पर अभी इनको एक यूनाइट तो रहना ही पड़ेगा, किसी भी अपनी समस्याओं को लेकर या अपने जो भी इनकी परेशानियां हैं उनको लेकर एकजुट तो रहना ही पड़ेगा। संविधान को, मैं आपसे जानना चाहूँगा, संविधान को सड़कों पर जला दिया जाता है, उसके बावजूद भी देश की सरकारें कुछ नहीं बोल पाती हैं, इसके लिए क्या कहेंगे? एक्चुअल आप इसमें जाएं तो आपको पीछे इतिहास में जाना पड़ेगा, जो संविधान को सड़कों पर जलाने वाले वही लोग हैं जिन्होंने संविधान को लागू होने पर इस देश के संविधान को जलाया था और तिरंगे झंडे को जलाया था, इसका संविधान का जगह जगह विरोध किया था, बाबा साहब के पुतले जलाए थे और उनकी वो मानसिकता, संविधान को लागू हुए इतने समय होने के बाद भी उनकी मानसिकता वही की वही और वो वही व्यवस्था चाहते हैं जी, जो इस देश में संविधान से पहले थी जी। क्योंकि यदि आप उसमें कुछ देखें तो बहुत सी चीज़ें इस तरह की हैं कि जो संविधान को यदि देखा जाए तो वो उनके हित में नहीं है जी।
क्योंकि एक तरह से वो लोग जो है पूरे के पूरे भूदे बने हुए हैं, पूरी संपत्ति उनकी है, सब कुछ उनका है। जी जी। और जो बहुजन सम्मान करता है संविधान का, तो वो इसलिए करता है कि उसको सिर्फ ये पता है कि जो कुछ हमें प्राप्त हो सकता है वो संविधान से प्राप्त हो सकता है। जी। और यदि संविधान पर भी आप नज़र डालें तो इसमें बहुत कुछ इस तरह का है कि जो न चाहते हुए भी जो हमारे संविधान निर्माता बाबा साहब वगैरह कुछ लोग थे जो न चाहते हुए भी उनको वो मजबूरन डालना पड़ा। जी। उसमें मेनली जब आप यहाँ पर बात करते हैं कि सत्ता का पूरा केंद्र बना हुआ है, तो वो पूरा का पूरा सेंटर जो है पैसे को लेकर इकट्ठे बने हुए हैं, या तो वो ट्रस्ट हैं, मोस्टली वो ट्रस्ट हैं। और आज 72 साल हो गए देश को आज़ाद हुए, कहाँ तक देखते हैं कि समानता बराबरीता का अधिकार मिल गया है संविधान की वजह से? नहीं, जब संविधान लागू ही नहीं हुआ आज तक, मैं समझता हूँ कि संविधान का 10% भी लागू नहीं हुआ तो समानता, बंधुता, स्वतंत्रता, यह तो चीज़ मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आप किसी भी क्षेत्र में देख लो, चाहे वो सरकारी क्षेत्र हो, मतलब वैसा हो, कैसा भी हो, सभी जगह गैर बराबरी है, तो समानता का तो सवाल पैदा होता ही नहीं। यदि समानता का अधिकार लोगों को मिल जाता तो साथ जो आंदोलन लोगों के दिल में जो इस समय ज्वाला जैसी उठी हुई है, साथ वो बुझ चुकी होती, समाप्त हो चुकी होती। जी। इतना बड़ा बढ़िया संविधान सबने बताया, इतना मजबूत संविधान सबने बताया, लेकिन फिर भी आज घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जाता है दलित समाज के लोगों को, बहुजन समाज के लोगों को, कहीं बारात में नहीं जाने दिया जाता है, मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता है, इसके ऊपर क्या बोलेंगे आप? देखिए, इस समय जो परिस्थितियाँ हैं बहुत ही विपरीत परिस्थितियाँ हैं, क्योंकि जो इस देश की शासक जातियां हैं वो हमेशा बहुजनों को दबाना चाहती हैं और वो अपने सामने उनको नीचा दिखाना चाहती हैं, जिससे वो अपने शादी विवाह में जब निकलते हैं बारात में घोड़ी पर या दूसरे अन्य व्यवस्थाओं से, तो उन्हें ये लगता है कि ये हमसे छोटे लोग हैं, हम इन्हें अपने ऊपर अगर ले आते हैं तो हमारा जो स्थान वो नीचा हो जाएगा, और इसलिए जो है वो हमेशा दबाने की कोशिश करते हैं। जहाँ पर भी ऐसी कोई भी घटनाएं होती हैं उसके पीछे जाति व्यवस्था सबसे बड़ी चुनौती है। ये जाति व्यवस्था ये हमारे देश का एक कलंक है, और इस कलंक को बाबा साहब ने अपने संविधान के तहत मिटाना चाहा, लेकिन फिर भी दुर्भाग्यता है कि अभी भी ये मिटा नहीं, और इसके खिलाफ़ अभी भी बहुत सारे आंदोलन, बहुत सारे संगठन काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये जो शासक जातियां हैं ये अपने आप में परिवर्तन नहीं करती, क्योंकि इन्हें ये लगता है कि संविधान के माध्यम से जो बहुजन में एकता हो रही है, इकट्ठा हो रहे हैं, ये कभी ऐसा हो सकता है कि हमारे से ऊपर चले जाएंगे और हमारी जो शासन व्यवस्था है उसके ऊपर भी ये अपनी शासन व्यवस्था कायम करेंगे और हमें नीचा करेंगे। धन्यवाद। आज हम लोग हैं इंडिया गेट पे और यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन डे के ऊपर हज़ारों की तादाद में यहाँ पर लोग आए हैं, दूर दूर से यहाँ पर लोग आए हुए हैं, पूरे हरियाणा, पंजाब, गुजरात से सभी लोग आए हुए हैं, और बहुजन मूवमेंट के लोग आए हुए हैं, और बहुजनों का संगठन मजबूत ना हो जाए इसलिए देश में इस तरीके की कवायद चलती रहती हैं, इनको तोड़ने की कवायद चलती रहती है, ताकि बहुजन समाज अगर 85% एकजुट हो गया तो देश के अंदर अपनी सरकार तक बना सकता है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।